नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति, जिसे श्रापित योग के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। किस तरह से ये योग कुंडली के अंदर काफी ज्यादा अशुभ फल देता है। अब यहां पर इसे श्रापित योग कहा गया है, मगर हमेशा हमें ये लगता है कि शनि राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में है तो ये बुरा फल ही देगा। देखिए, अगर ये योग कुंडली में शुभ हुआ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति करा देगा, एक राजा के समान जिंदगी बना देगा, सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। क्यों? क्योंकि शनि क्या है? सांप, और राहु क्या है? मणि। तो यहाँ पर ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो यहाँ पर इच्छाधारी सांप, मगर ये इच्छाधारी सांप अगर जहरीला हुआ तो ये जीवन को बर्बाद कर देगा। अब किस तरह की परेशानी लाएगा उसकी बात करेंगे। और अगर ये शुभ हुआ तो जीवन में बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, सारी इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। साथ ही ये योग कुंडली के अंदर अल्पायु योग का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पर किस समय आयु को खतरा होगा उसकी बात करेंगे। और अगर ये शुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर दीर्घायु योग, यानी कि आयु बीच की नहीं होगी, या तो अल्पायु होगी या फिर दीर्घायु होगा, दोनों में से एक कंडीशन ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। साथ ही रेमेडी की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये योग अगर कुंडली में हुआ तो किस तरह के इंसिडेंट जीवन में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। नंबर 1, अगर ये योग कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी हुआ और अगर सिंह राशि में हुआ तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को हार्ट के इश्यू, यानी कि दिल की बीमारी के योग कुंडली में बन जाएंगे। दूसरा, रसोई में आग की घटना या मीटर में स्पार्किंग होना, तो यहां पर ये योग कुंडली में शुभ हो अशुभ हो, मगर ये जो यहां पर स्पेशल फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ये देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो यहाँ पर किचन में किसी न किसी प्रकार की आग की घटना जीवन में देखने को मिलती है। दूसरा, मीटर जो हमारा बिजली का मीटर है उसमें स्पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं, अल्पायु होगा या दीर्घायु होगा। और अगर ये योग कुंडली के 8th हाउस में है तो यहाँ पर फैमिली में किसी ने सुसाइड किया होगा, या गाड़ी के नीचे कोई आया होगा। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में कभी-कभी घट जाती हैं या देखने को मिलती हैं, या हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि गाड़ी के नीचे कोई आ गया। तो ये सब कुंडली के योग ही होते हैं जो हमें इन सब चीजों को जीवन में फलित होते दिखाई देते हैं। अब यहां पर ये योग कुंडली में कब घटेंगे, फिर इसका इलाज क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो जहां पर जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई जाएगी उसको अगर आप समय रहते ये योग कुंडली में दिख जाता है, या इस तरह के आपको जो चीजें बताई जाएंगी अपनी कुंडली में देखने को मिलती हैं, तो आपने समय रहते प्रिकॉशन रेमेडी को फॉलो कर लेना है जिससे कि यहाँ पर जो परेशानियां बताई जाएंगी वो देखने को ना मिले और शुभ स्थिति का लाभ उठा सकें। दूसरा, यहाँ पर एकदम तड़बक्कर उठेगा, यानी कि ऐसे जातक का जो बेसिकली नेचर होगा, अगर कुंडली के और योग भी देखने पड़ेंगे कि किस तरह की स्थिति है, मंगल पद अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि योग कुंडली के अंदर अशुभ है या शुभ है। अब वो कितना शुभ है और कितना अशुभ है इसके लिए बाकी के अदर प्लैनेट्स को भी देखना होता है कि कोई योग कुंडली के किसी हाउस में बना हुआ है, अब वो पर्टिकुलर किस कौन से हाउस में बना हुआ है, क्योंकि कुंडली के 12 ही घर हैं तो हर घर के अंदर जाके उसके फल चेंज हो जाएंगे। दूसरा, उस पे अगर उसके एनिमी प्लैनेट की दृष्टि वगैरह आ रही है तो उसके फल में परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा, यहाँ पर जैसे राहु की हम बात करते हैं तो राहु के लिए हमने क्या कहा है, हमेशा कुंडली के अंदर सबसे पहले मंगल को चेक कीजिए। दूसरा, शनि की बात करते हैं तो यहाँ पर शनि का जब टॉपिक हमने बात किया था तो उसमें विस्तार से चर्चा करी थी, और आगे भी एक स्पेशल टॉपिक शनि के ऊपर लेंगे, क्योंकि शनि क्या है, जीवन के अंदर दुख का कारक। इसी वजह से ज्यादातर लोग शनि मंदिर में जाते दिखाई देते हैं, शनि मंदिरों में आजकल काफी ज्यादा
भीड़ दिखाई देती है, उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे जीवन में जो हमें दुख मिलते हैं उस दुख के पीछे शनि का रोल प्ले होता है, क्योंकि शनि क्या है, दुख का कारक। यहाँ पर शनि कुंडली में कहीं भी हो, अकेला हो, राहु के साथ हो, खराब हो, तो जीवन में दुख देगा। कब देगा इसकी बात कर चुके हैं। तो यहां पर ये योग कुंडली के अंदर जब होगा तो आपने शनि राहु को अलग अलग कि वो शुभ हैं या अशुभ हैं तो भी सारी बात करेंगे, उसको भी समझेंगे। दूसरा, यहां पर ऐसा जातक तरभक कर उठेगा, यानी कि ऐसे जातक को अचानक ही किसी बात पे बड़ी तेजी से गुस्सा आना, इस तरह की आदतें देखने को मिलती हैं। पतली लड़की होने के योग, तो यहां पर ऐसे जातक के सामान्यता देखा यह गया है कि अगर लड़के की कुंडली में हो तो लड़की दुबली पतली होगी, और अगर लड़की की कुंडली में हो तो लड़का दुबला पतला होगा। तो ये चीजें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि ये योग कुंडली के अंदर कब सुफल देगा, कब अशुफल देगा, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिनसे आप इस योग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले समझिए कि जिसकी कुंडली में भी ये योग होगा उस व्यक्ति के शरीर पर एक स्पॉट होगा जिसे हम लसन का निशान बोलते हैं, लाइट ब्राउन कलर का स्पॉट। अब उस स्पॉट के बारे में बात करेंगे, केवल उस स्पॉट के आधार पर ही आपको कुंडली को चेक करना नहीं भी आता, आप केवल उस स्पॉट के आधार पर एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये योग अगर कुंडली में बना हुआ है तो यहां पर ये हमें बुरे फल देगा या शुभ फल देगा। तो यहां पर अभी बात करते हैं बाकी सब चीजों के बारे में। अब देखिए, यहां पर लहसुन का जो निशान की बात कर रहे हैं तो यहां पर इस तरह का एक लाइट ब्राउन कलर का जो स्पॉट है वो आपकी बॉडी पे होगा। तो आपने उसे कैसे चेक करना है कि अगर लहसुन का हुआ, यानी कि अगर ये निशान, इस पे आपने अपना अंगूठा रखना है। अब अगर ये जो निशान है अंगूठे के अंदर ही आ जाए, अंगूठे के नीचे दब जाए, दिखाई ना दे अंगूठा रखने पर, तो इसे आप पद्म का निशान कहेंगे, यानी कि शुभ, किस्मत अच्छी होगी। और अगर ये निशान अंगूठा रखने के बाद भी दिखाई देता है, बाहर निकल रहा है, तो ये लसन का निशान कहलाएगा। अब अगर लसन का निशान हुआ तो किस तरह के अशुभ परिणाम देखने को आएंगे, नाभि से ऊपर और गर्दन से नीचे, यानी कि हमारी गर्दन से नीचे और नाभि से ऊपर इस बीच के हिस्से में हुआ, तो उस घर के जेंट्स जो हैं वो परेशान होंगे, बर्बाद होंगे। और अगर नाभि से नीचे की तरफ कहीं भी हुआ तो यहाँ पर धन की समस्या जीवन में देखने को मिलेगी, धन की परेशानी। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या है, ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो, उसे शनि की रात, शनि क्या है, रात, राहु क्या है, पक्की शाम, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद का जो समय और रात होने से पहले का, यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद, ऐसे व्यक्ति को बादाम, रोस्टेड बादाम हो गए, साथ ही आपका नारियल की बर्फी ना तो खानी चाहिए, ना ही नारियल और बादाम को किसी भी कढ़ाई में भूनना है या किसी भी ओवन वगैरह में भूनना है, ना ही उसे तलना है। साथ ही शनिचर का दिन, अब शनि का दिन कौन सा कहलाता है, जिस दिन सूर्य भगवान ना निकले और बादलों में बादल छाए हुए हों, घटा हो, एक अंधेरी सी रहती है, वो शनि का दिन कहलाता है। तो उस दिन भी आप दिन के समय भी ये काम ना करें, बल्कि मैं एडवाइस ये दूंगा कि जिसके शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो वो खुद ये काम करे ही ना, बादाम खाना छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है, स्पेशली रोस्टेड बादाम तो बिल्कुल ना खाए, और साथ ही नारियल की बर्फी को अवॉइड करें। अगर इस तरह काम करना हो तो किसी और से करा लें। अब दूसरा, यहां पर
जो 36 से 39 साल की उम्र है। क्यों? क्योंकि शनि की जो उम्र है वो 36 है और राहु की है 42। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो गया, 78 डिवाइड करेंगे 2 से 39, यानी कि 36 से 39 साल की उम्र में आयु को खतरा, क्योंकि ये योग कुंडली के अंदर अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो यहां पर अल्पायु योग बना देगा और सामान्यतः 36 से 39 साल के बीच में जातक की आयु को खतरा देखा गया है। इसके साथ ही ये योग कुंडली के अगर हाउस नंबर 5, 6, 7, 8 में है तो सामान्यतः शुभ माना गया है। अदर हाउसेस के अंदर इसकी कंडीशन जो है वो इस तरह से रहेगी कि जातक जीवन के अंदर कभी बहुत अच्छा समय देखेगा और कभी बहुत ज्यादा खराब समय देखेगा। अब यहां पर बात करेंगे कि हमें इस योग को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करना है, और ये योग कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो तो कौन से रेमेडी को करना है और किस तरह से इसके फलों को समझना है और कैसे इसके फलों को ठीक करना है। अगर ये अशुभ स्थिति में दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा है, तब भी कौन सी रेमेडी करनी है जिससे ये योग कुंडली के किसी भी हाउस में है तो उसके ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त किया सके। साथ ही ये जो आपको प्रिकॉशन बताई है नारियल बादाम वाली, इसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये काम कर लिया तो फिर आप कितनी भी रेमेडी करेंगे आपको प्रिकॉशन जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर शुभ और अशुभ स्थिति के लिए सबसे पहले आपने क्या समझना है कि यहाँ पर ये योग शुभ स्थिति में कब होगा और अशुभ स्थिति में कब होगा। एक तो आपको ये पॉइंट बता दिया कि आपने अपनी बॉडी पर जो निशान है उसको चेक करना है। दूसरा, कुंडली के अंदर अगर मंगल बुध एक साथ हैं, ये दृष्टि संबंध से मिल रहे हैं, मंगल बुध एक साथ बैठे हुए हों या दृष्टि संबंध से मिल रहे हों, ऐसे में शनि कुंडली में कहीं भी हो अब वो अशुभ फल ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहां पर जब आपको मसनूही प्लैनेट का टॉपिक कराया था और शनि जब फर्स्ट हाउस की वीडियो में हमने बात करी थी शनि शनि के बारे में काफी डिटेल से, तो उसमें ये जानकारी दी थी कि जब दो मसनूही प्लैनेट कुंडली में एक साथ बैठे हों तो तीसरा प्लैनेट कौन सा अच्छा होता है या खराब होता है। इसी तरह अगर मंगल बुध एक साथ हैं कुंडली में, दृष्टि संबंध से कनेक्शन बना रहे हों, एक साथ बैठे हों, तो शनि अशुभ। बृहस्पति और शुक्र कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों या दृष्टि संबंध से या एक दूसरे के घरों में बैठे हों, यानी कि आपस में कनेक्शन बना रहे हों, तब यहां पर कुंडली में शनि शुभ स्थिति में माना जाएगा। अब शनि अगर शुभ है कुंडली के अंदर तो यहां पर राहु का फल भी कहीं ना कहीं शुभ हो जाएगा। दूसरा, अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ है, मंगल बद अप्लाई नहीं है, क्योंकि ये आपको हर वीडियो में जानकारी दी जा रही है कि मंगल बद अगर कुंडली में बना हुआ होगा तो राहु कुंडली में कहीं भी हो कैसा भी हो अब वो नीच का फल देगा। तो यहां पर आपने कुंडली के अंदर मंगल बुध को चेक करना है कि आपकी कुंडली में अब जैसे मंगल और बुध मिलते हैं तो शनि क्यों अशुभ हो गया, यहाँ पर शनि भी अशुभ हो गया और राहु भी अशुभ हो गया, क्योंकि मंगल और बुध इज इक्वल टू मंगल पद। तो ये मसनूही प्लैनेट के हिसाब से शनि अशुभ हो गया और मंगल बुध के कॉम्बिनेशन के अंदर मंगल बुध कुंडली में बन गया। तो मंगल बुध के टॉपिक में जो हमने रूल बताए हैं वहां पे अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बताए हैं उनमें से एक कॉम्बिनेशन मंगल बुध का भी है, मंगल केतु का भी है, मंगल वो सूर्य और शनि का भी है, सूर्य सिक्स्थ हाउस भी, इस तरह काफी ज्यादा वहां पे कुछ रूल्स बताए थे। तो उनमें से एक रूल ये भी है कि मंगल बुध कुंडली में कनेक्शन बना रहे हो, एक साथ बैठे हो तो मंगल कुंडली में खराब हो जाता है। मंगल खराब तो यहां पर शनि भी अशुभ हो गया, राहु भी अशुभ हो गया। अब दोनों अशुभ हो जाएंगे तो कुंडली के 12 ही घरों में ये कॉम्बिनेशन कहीं भी होगा अब अशुभ फल देगा, हेल्थ इशू देगा, वेल्थ इशू देगा, और कुंडली के जिस हाउस में बैठा होगा पर्टिकुलर उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब कुंडली के जो 12 घर हैं इसके बारे में कौन सा घर से क्या चीज देखी जाती है, शॉर्ट में हम स्टार्टिंग की वीडियो में जहां पर बेसिक जानकारी आप लोगों से शेयर की थी वहां पे बता चुके हैं। आगे आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम कुंडली
कुंडली के हर एक हाउसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और वो इतनी विस्तार से होगी या इतनी डिटेल्ड होगी कि आपको शायद ही इतनी जानकारी पहले देखने को मिली हो। तो यहाँ पर अभी क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर चले जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने कुंडली के जो 12 घरों के बारे में जानकारी दी, वहां पर ये बताया था कि कुंडली के जो 12 घर हैं उनसे बेसिक क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं जिनके बारे में सामान्यतः हमें जिज्ञासा रहती है, मगर कितना कुछ देखा जा सकता है यानी कि डिटेल में क्या क्या देखा जा सकता है कुंडली के एक एक हाउस के बारे में। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे अभी वीडियोस देख रहे हैं या पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी कि एक कुंडली का इफेक्ट पूरे परिवार पे पूरे खानदान पे जाता है। कुंडली में हम बताते हैं कि यहाँ पर अगर ये प्लेनेट इस हाउस में है तो कुंडली में मामा बर्बाद होंगे। अब मामा का क्या लेना देना बच्चे की पैदाइश से? तो एक कुंडली का इफेक्ट कितनी दूर तक गया? मौसी परेशान होगी, दादी की हालत खराब होगी, दादा गुजर जाएंगे। तो एक बच्चे की कुंडली से पूरे खानदान को आप एनालाइज कर रहे हैं। तो इसी तरह जब एक बच्चे की कुंडली का इफेक्ट पूरे खानदान में पड़ रहा है तो आपकी बहन बेटी बुआ या माँ जो भाई वगैरह हैं उनके बच्चों का इफेक्ट आप पे भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा। आपको पता ही नहीं है, हम हमेशा अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग रेमेडीज करते हैं मगर कई बार कारण कुछ और भी होते हैं। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी की आपको नॉलेज शेयर की जा रही है उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को नोट्स बनाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने अपने परिवार रिश्तेदारों की कुंडली आराम से एनालाइज कर सकते हैं, और जो फैक्ट्स यहाँ बताए जा रहे हैं उन फैक्ट्स को आप अपने जो भी हॉरोस्कोप आपके पास हों तो उनमें अगर चेक करेंगे जैसे कि बताया जा रहा है तो वो बातें आपको 100% मैच करती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर अगर मसनू प्लैनेट मंगल बुध एक साथ हो, शनि अशुभ हो जाएगा, राहु भी अशुभ हो जाएगा, मंगल बुध को चेक करना है। इसके साथ ही करना क्या है, अगर बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हैं तो शुभ, और मंगल भी कुंडली में शुभ है तो ये योग कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। कब अच्छे फल देगा? 39 साल की उम्र के बाद। ये इच्छाधारी सांप की तरह जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अब यहां पर अगर ये योग कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी बना हुआ है तो आपने इनके फलों को विस्तार में कैसे समझना है इस चीज को समझिए। यहां पर कुंडली के किसी भी हाउस में ये है तो अगर अशुभ हुआ तो पर्टिकुलर उस हाउस से रिलेटेड फलों को खराब करेगा, और अगर शुभ हुआ तो उस हाउस से रिलेटेड फलों को बढ़ाएगा। तो आपने रेमेडी क्या करनी है, प्रिकॉशन क्या करनी है, जिस भी हाउस में हुआ अगर फर्स्ट हाउस में हुआ तो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, तो आपने क्या करना है शनि के लिए फर्स्ट हाउस में जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है उनको कंसिडर करना है और राहु के लिए करना है। अब राहु के लिए क्या बताई थी कि राहु अच्छा हो या बुरा हो अगर फर्स्ट हाउस में हो तो गेहूं का दान मंदिर में करते रहें। अब आपकी एज कम है या ज्यादा है, अगर आपको ये पता लग गया कि शनि राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो राहु को अच्छा करने के लिए एक तो मंदिर में गेहूं का दान एवरी संडे करते रहें, दूसरा कुंडली में मंगल को ठीक रखें, मंगल पद चेक कर लें। अगर मंगल पद नहीं बना हुआ है तो यहां पर मंगल कुंडली के जिस भी हाउस में है उस हाउस के संबंध में जो यहां पर रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई है उसको फॉलो करके उसने मंगल को ठीक कर रहे हैं। तो कुंडली में जब मंगल ठीक हो जाएगा उधर से आपने राहु की रेमेडी कर ली तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, राय दरबार से राह दिला देगा, और जातक जो है अपने दम पर एक मुकाम हासिल करता है। तो फर्स्ट हाउस का राहु काफी अच्छे रिजल्ट देता है, हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या पैदा करता है तो यहाँ पर उसके लिए भी ये इलाज हो जाएगा रेमेडी करेंगे तो। इसी तरह शनि साथ में बैठे होंगे तो शनि फर्स्ट हाउस के लिए क्या कहा गया है कि आपने कुंडली के तीसरा सातवां और दसवां स्थान चेक करना है, क्योंकि शनि फर्स्ट हाउस के अंदर सामान्यतः शुभ नहीं माना गया है, नीच का फल देता है। मगर हमने वहां पर शुभ कंडीशन की भी बात करी थी कि शुभ है तो चिंता कोई बात नहीं है, अगर अच्छा हुआ तो 3 गुना अच्छा फल देगा और बुरा हुआ तो 3 गुना बुरा फल देगा।
तो शनि फर्स्ट हाउस के संबंध में ये बात कही गई है। तो ये आपने अगर बुरा हुआ तो वहां पे रेमेडी और प्रिकॉशन बताई गई है कि घर में जातक को शराब नहीं रखनी, क्योंकि यहां पर जब शनि फर्स्ट हाउस में होगा तो जातक के घर में शराब की बोतलें देखने को अवश्य मिलेंगी। पीता हो या ना पीता हो ये अलग मैटर है, मगर बोतलें अवश्य मिलेंगी। तो घर में वाइन नहीं रखनी। और भी कुछ प्रिकॉशंस वगैरह वहां बता रखी हैं, डिटेल में जाकर आप वीडियो में समझ सकते हैं। तो कुंडली के जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा उस हाउस से संबंधित फलों में कमी लाएगा अगर अशुभ स्थिति में हुआ। और अगर अशुभ स्थिति में हुआ भी, या लसन का निशान आपकी बॉडी पे है भी, पदम का नहीं है लसन का है, यानी कि अशुभ कंडीशन वाला निशान है, तब आपने क्या करना है, साबुत बादाम और नारियल ये मंदिर में हर शनिवार देते रहें। अब कितने लेने हैं, तो ये आप लगभग जो है 200 ग्राम साबुत बादाम, देसी बादाम जो शेल वाले होते हैं वो, और एक नारियल मंदिर में चढ़ाते रहें एवरी सैटरडे, और ऐसा हमेशा करते रहें। तो इससे क्या होगा कि इस ग्रह का जो प्रभाव है कुंडली के किसी भी हाउस में हो वो अब अशुभ नहीं रहेगा। साथ ही कुंडली के जिस भी हाउस में हो उस हाउस के संबंधित आप फलों को चेक करेंगे कि शनि सेकंड हाउस के लिए क्या फल बताए गए हैं, राहु सेकंड हाउस के लिए क्या फल बताए गए हैं। अब लसन का निशान है तो ये तो तय हो गया कि आप ही कुंडली में शनि राहु जो है अब अशुभ कंडीशन में है। तो यहां पर शनि के जो अशुभ फल बताए गए हैं और राहु के जो अशुभ फल बताए गए हैं उनको आपने समझना है शनि सेकंड और राहु सेकंड की वीडियो में जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा अशुभ फल बताए गए हैं। मगर चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि वहां पर रेमेडीज भी बताई गई है, उन रेमेडी को आप टाइम रहते कर लेंगे और जो सावधानियां बताई गई हैं उनको कर लेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलनी। तो यहां पर आज हमने बात करी शनि राहु की युति के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे शनि और केतु का कॉम्बिनेशन। तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन क्या कुंडली में शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, दूसरा क्या उसके लिए प्रिकॉशन करनी है, क्या रेमेडी करनी है, और क्या स्पेशल फैक्ट, क्योंकि जो स्पेशल फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, उनको जब आप अपने किसी भी हॉरोस्कोप में या किसी दूसरे के हॉरोस्कोप में चेक करेंगे और वो चीजें जो यहाँ बताई गई हैं आपको 99.9% या ये कहो कि 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें हैं जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, रियल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो इनको आपने चेक करना है और कमेंट्स के अंदर उनको बताना है कि आपने अगर इस तरह के फैक्ट्स चेक किए मिले तो आप कितने परसेंट मिले। 10 कुंडलियों में चेक करें तो 8 में मिले या 10 की 10 में मिले। तो साथ ही हमने आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर राशियों के बारे में बात करनी है। अभी तक हम बात कर रहे हैं केवल कालपुरुष कुंडली के आधार पर, आगे हम ये भी बात करेंगे कि अगर प्लैनेट कुंडली के अंदर इस राशि में है तब किस तरह के रिजल्ट आएंगे, और कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में है तो वो कितना अधिक शुभ फल दे सकता है या कितने अधिक शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, और टाइमिंग कि कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर अगर अशुभ स्थिति में है तो उसका अशुभ फल कब देखने को मिलेगा, जैसे मैरिज टाइमिंग, दुर्घटना का योग है, दुर्घटना कब घटित होगी। तो इस तरह के सारे रूल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।